17,000 चली है भाई ये गाड़ी। 17,000 के बाद भी इसकी आवाज सुन लो एक बार ही तुम। हेलो गाइस, तो वेलकम आज अपनी एक और न्यू वीडियो में। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इस गाड़ी। ये गाड़ी चल चुकी है 3 साल के अंदर। आपको दिखा देता हूँ, मुझे बैठने दो यार पहले इसको, ऊपर फिर चेक करते हैं। ओके, तो ये देखो भाई, अभी इतनी हीट हो रही है, 6038 पे इसकी सर्विस करानी होगी मुझे, ठीक है। तो ये चली अपनी 17,754 किलोमीटर, ठीक। ये देख लो, अब इस 17,000 में इसने क्या क्या खर्चा मांगा है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसने 17,000 किलोमीटर चलने के बाद इसने दो या तीन बार ब्रेक पैड मांगे, ठीक है, फ्रंट और रियर पे, ठीक है। और उसके बाद चेन स्पोकेट मांगा है। अभी तो यार धूल मिट्टी वाला एरिया पे अपन ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक ये मांगा। अब इसके टायर भी आ चुके हैं 17,000 चलने के बाद, 3 साल के बाद टायर डलवा रहा हूँ दोनों, एक नहीं दोनों। ये देखो भाई, फुल स्टैंड बाजी करता, ठीक है। और 17,000 चलने के बाद इसकी गर्म हो रही है भाई, ये देखो कलर खुलने लगी है। और भाई 3 साल बाद भी गाड़ी की कंडीशन देख लो तुम, ठीक ठाक हो रही है। और 17,000 चली है भाई ये गाड़ी। 17,000 के बाद भी इसकी आवाज सुन लो एक बार ही तुम। तो मुझे न्यूट्रल करनी पड़ेगी भाई, तो एक एक से लपन स्टार्ट कर। अब भाई KTM की बाइक देख लो तो मेंटेनेंस। अब भाई ये गाड़ी 17,000 चलने के बाद जो आपकी सर्विस होगी ना, 20,000 के और 17,000 के बीच में, वो आपकी सर्विस होगी 7 से 8 हज़ार रुपये। आपको मैं बिल भी दिखा दूंगा और बिल का फ़ोटो भी डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो आज की अपनी वीडियो इतनी सी थी, और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं, 17,000 चलने के बाद गाड़ी की क्या कंडीशन भाई, वो तो रखने वाले को ऊपर। अपन ने ऐसी रखी है, चेन स्पॉकेट भी गया था भाई इसका, अभी नया डलवाया है। वो तो कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे, 125 है, मेंटेनेंस नॉर्मल है। तो भाई 7,000 रुपये लगे इसको सही होने में, चेक मिडिल क्लास बंदे के लिए ज़्यादा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।